दोस्तों नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज 26 ने आज की तारीख है और आज जो है कल हम आप लोगों को बताया था गोधन पूजा होगी कि नहीं होगी, आप लोगों को दिखाएंगे। तो कल जो है गोधन पूजा नहीं होगी, तो आज देखते हैं आज होगी कि नहीं होगी। वैसे के लिए आप मेरे हाथों में रंग मेहंदी देख रहे हो, जो आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि मैंने शाम को ये मेहंदी निकाली। तो देखिए किस तरह से कितनी अच्छी सी रंगी है, तो आप कमेंट में करके बताइएगा किस तरह से रंगी और आपको पसंद आई या नहीं करके। सो इसके पहले मैं व्लॉग मतलब शुरू करूँ, तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। सो आज के व्लॉग में जो है अब हमारे मेरी आई जो है अभी खेत में जाने वाली है आई बाबा करके, और हमारे जो कापूस है उसे मतलब हमारा कापूस निकल चुका है हमारे खेत में, उसे जो घर पर लाने वाली है और मजदूर भी लेकर जा रहे हैं, तो आई बाबा दोनों जाने वाले हैं और खेत से वो लेने वाले हैं। सो आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ खनखन आवाज ये सारी आवाज़ दे रही होगी क्योंकि बैलों की घंटी बज रही है, बैल लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग होते हैं गाँव के जो सुबह सुबह जो खेत में जाते हैं तो उनका आवाज़ आता ही रहता है, आप लोगों को पता ही है। सो ये सारा कुछ आज होने वाला है, तो देखते हैं आज के व्लॉग में आज लड़की आती है गोधन पूजा करने के लिए नहीं, अगर आती है तो आप लोगों को जरूर व्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सो ये देखिए मैंने गोधन के आजू बाजू जो है फिर से जो है रंगोली निकाली। आज की रंगोली मैंने साँचे से निकाली, जो रंगोली निकालने के लिए साँचा मिलता है उस साँचे का इस्तेमाल करके जो है मैंने गोधन के आजू बाजू से चारों ओर से अलग अलग डिफरेंट कलर के मोर निकाले हैं, सॉरी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता रहता है वीडियो डालने के लिए। सो एक गर्ल्स होने की वजह से शायद कुछ लोग जो वो व्लॉग को पसंद भी नहीं कर पाते होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते होंगे, मगर मैं आपको आशा देती हूँ अगर आप लोगों का सब्सक्राइब मुझे बढ़ता रहा तो मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग जरूर दिखा पाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो यहाँ पर देखिए 25 तारीख को जो है हमारे जो दादा दादी रहते जो कि जिनकी डेट होती है उनको जो है धबुकार दिया जाता है लक्ष्मी पूजन के नेक्स्ट दिन, जहाँ पर देखते मेरी आई जो है उन्हें धबुकार दे रही है यहाँ पर। हे दोस्तों, मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को भाई दूज की ढेर सारी बधाइयाँ। सो आज जो है भाई दूज है, तो आज जो है आप मेरे फिंगर में देख सकते हैं आपको लाल लाल कुमकुम दिख रहा होगा ये वाला। सो अभी जो है मैंने मेरे जितने भी भाई हैं उन सब की जो है मैंने आरती उतारी है और साथ ही साथ उन्हें जो गिफ्ट दिया जाता है भाई दूज को उनको मैंने अभी दिया है। तो सभी में से सिर्फ मेरे जो सबसे छोटा भाई है मोहित, उसने उसका वीडियो बनाने दिया, बाकी के ने तो वीडियो बनाने नहीं दिया, फोटो भी नहीं लेने दिया। सो चलिए, सो आप लोग अभी अब मेरे जो भाई है मोहित उसका मेरे भाई दूज के साथ से वीडियो आप देखने वाले, चलिए वीडियो पर बने रहिए, यानी कि हमारे ब्लॉग पर बने रहिए। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से भाई दूज की ढेर सारी बधाइयाँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सबसे छोटा भाई है उसी का मैंने वीडियो लिया था और उसी को वीडियो उसने मुझे लेने दिया था। तो ये मेरा सबसे छोटा भाई है मोहित, उसकी जो मैं अभी ऑक्शन कर रही हूँ और भाई दूज के तौर पर उसे जो है मुझे गिफ्ट भी देना है। तो गिफ्ट के रूप में जो है मैंने उसे जो है रुमाल ही दिया था क्योंकि मेरे उनके लोगों के लिए भाई के लिए शॉपिंग नहीं हो पाई थी, सो इसलिए उसे को भाई दूज के तौर पर मैं गिफ्ट दे रही हूँ। इसी ने सिर्फ मुझे वीडियो लेने दिया, बाकी के किसी ने मेरे भाइयों ने वीडियो नहीं लेने दिया क्योंकि ये सबसे छोटा है। सो आखिर में इसकी पूजा मतलब आरती ओवाड़ी मैंने और उसी का जो है मैंने यहाँ पर भाई दूज का वीडियो ले पाया हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से सभी को भाई दूज की ढेर सारी बधाइयाँ। सो अभी भाई दूज का पूजा होने के जैसे ही तुरंत बाद जो है लड़की आ गई थी पूजने के लिए, गोधन पूजने के लिए। जैसे आप लोगों को मैंने बताया हमारा बंजारा ट्रेडिशनल में जो है हम जो है गोधन बनाते हैं उसे जो है पूजा जाता है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था दो राउंड में लड़की आती है, मतलब पहली बार और सेकंड बार। पहली बार आती है तब जो बोरू डालकर जाती है और दूसरी बार आती है तब वो पूजा करके जाती है। सो ये पहला राउंड था, तो लड़की आ रही थी और जो है जा रही थी, तो इसमें जो कि मेरी बहन अभी जाना बाकी है तो वो वेट कर रही थी मेरी दीदी का और जो मतलब छोरी मेरी छोटी बहन, तो वो जो है अभी रुकी है और वो लोग जाने वाले हैं। सो कुछ लड़कियां जो है आगे चली गई है पार कर मतलब गोधन पूज कर, कुछ जो है अभी आप देख सकते हैं पीछे रह गई है और वो भी आगे जाने वाली थी मगर बच्चे जो है सामने फटाके फोड़ रहे थे इसलिए वो रुक गई थी। सो आप लोगों ने दिखाती थी वो किस तरह से पूजा जाता है गोधन, तो ये देखिए ये रहा बोरू, सॉरी लामड़ी और बोरू दोनों अलग अलग होते हैं, इससे हमारा गोधन पूजा जाता है। हमारी ब्लैक टी यहाँ पर बन रही है। सो ब्लैक टी मेरे बाबा और मैं पीते हैं और दोपहर का समय होता है अभी पता है आप लोगों को, तो चाय का तो चाहिए ही चाहिए होती है हर किसी को चाय। तो यहाँ पर देखिए हमारी ब्लैक टी अभी बनकर रेडी हो चुकी है और मेरे लिए, मेरे बाबा के लिए और जो हमारे खेत में जो मेरे बुआ जी मतलब फूफा जी गए थे उनके लिए, तो हम तीनों के लिए यहाँ पर ब्लैक टी मैं बना रही हूँ। टाइम दोस्तों, आप में से किस किस को दोपहर में चाय पीना पसंद है कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी जो है दोपहर समय है तो चाय टाइम का, गरम गरम चाय, दोपहर की चाय का टाइम हो चुका है और यहाँ पर है ब्लैक टी जो कि मैं और मेरे पापा बाबा पीने वाले हैं। सो चलिए आप लोगों में से कौन कौन ब्लैक टी पीता है जरूर कमेंट करके बताइएगा।
फिर में जब लड़की आती है तो वो एक सॉन्ग बोलती है और वो जो पूछ कर जो है गोदन चली जाती है। और वो सॉन्ग अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर वो सॉन्ग अपलोड है, आप जाकर वो सॉन्ग देख सकते हैं। आगे वाले वीडियो में आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी का मौका नहीं मिला था, इसलिए आप लोगों को बहुत कम आवाज़ आ पाएंगी। अगर वो सॉन्ग सुनना चाहते तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ गोधन पूजा होती है। तो यहीं पर हमारा व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। आप सभी ने पूरी शांति से मेरा व्लॉग देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, कीप वॉचिंग माई व्लॉग।